हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना व्याकरण का पोर्शन शुरू करेंगे जिसमें सबसे पहले है समास। ऐसे तो आप लोगों को फर्स्ट लेसन में से ही जो है समास और संधि वगैरह के एक्सरसाइज शुरू हो गई है, लेकिन अब जो है हम लोग सारे समास में डिटेल पढ़ेंगे। तो एक वीडियो में जो है वो चार समास में एक्सप्लेन कर रही हूँ और दूसरी बात में जो है दूसरे तीन करेंगे। तो समास को पहले जो है आपको किस तरह से, अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरह से आता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको मतलब लास्ट ईयर अभी जो है पेपर स्टाइल बदली थी तो उसमें खाली एक ही क्वेश्चन पूछा था, नहीं तो दो आते हैं, या तो समास को जोड़ना या उसको पहचान के लिखना है ना, विग्रह करना या पहचान के लिखना है कि कौन सा समास है। आपको मान लो एक शब्द दिया हुआ है, आपको पहचानना है कि ये कौन सा समास है। एक ही यही क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मान लो ये पूछा यथाशक्ति तो ये कौन सा समास है, बराबर। तो समास का आपको नाम लिखना है, समास पहचान कर लिखो, और एक क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं कि समास का विग्रह करो, बराबर। तो विग्रह किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको, विग्रह करके उसका नाम लिखो। तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब इसकी परिभाषा और ये तो समझ बता देती हूँ, लेकिन इसकी जो छोटी छोटी सी जो पहचान है वो अगर हम लोग रखें तो उसको मतलब अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। खाली आपको उसमें समझना है, समास जो है वो परिभाषा वगैरह कुछ भी लिखने के लिए नहीं आती है एग्जाम में। खाली आपको दो ही क्वेश्चन जो है वो अभी तो टू मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछा था कि समास पहचान उसका नाम लिखो, ये तो पेपर स्टाइल में है। तो आपको जो है पहचान मालूम होना चाहिए कि ये शब्द जो है ये कौन सा समास है, अरे तो जब तक उसकी परिभाषा आपको पता नहीं चलेगी, जब तक उसका डिटेल पूरा पता नहीं चलेगा तब तक आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन सा समास है। तो पहले फोर पढ़ेंगे, पहले परिभाषा है उसकी कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो है कोई भी दो छोटे छोटे शब्द होते हैं वो शब्द मिलकर जो है वो एक शब्द बना देते हैं, स्वतंत्र शब्द, उसको जो है समास कहा जाता है। और इन दोनों का परस्पर संबंध जो प्रकट करते हैं उनको जो है मिला देते हैं जब, तो उसको कहा जाता है मिला के लिख देते हैं लेकिन उसको अलग अलग करते हैं उसको कहा जाता है विग्रह, है ना। तो समास का एक विग्रह होता है और एक समास पूरा शब्द होता है। अब इसमें पहला शब्द पहला है जो इसमें जैसे अलग अलग इसके उदाहरण देते हैं, जैसे राम दीन पंचवटी यथाशक्ति, अलग अलग समास के उदाहरण है, नील कमल लंबोदर महात्मा रात दिन सूर्य, ये सारे समास के जो है एक एक उदाहरण जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है समास के प्रकार में सबसे पहला समास पढ़ेंगे वो है द्वंद्व समास। अब इसकी जिन सामासिक शब्दों में दोनों पद प्रधान होते हैं, देखो इसमें दो पद होते हैं, जैसे मान लो मैंने ये शब्द लिखा है या ये शब्द लिखा है तो इसमें दो पद होंगे। पहला होगा इसको बोलते हैं पूर्व पद और इसको बोलते हैं उत्तर पद, है ना। पूर्व मतलब पहला और उत्तर मतलब उसके बाद वाला। पहला पद जो है लेफ्ट साइड से लिखा जाता है, यहां से लिखा जाएगा ये पहला पूर्व पद कहलाएगा और वो उत्तर पद। तो जहां पे दोनों पद अगर जो शब्द आता है उसमें हमको समझ लेना है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बराबर। पूरा शब्द जो है वो उसका ये लिखा जाता है, दोनों के दोनों का अगर आप अलग अलग भी कर दो, पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग कर दो तो दोनों शब्द स्वतंत्र होते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, बराबर। अर्थात इन सामाजिक शब्दों में समानता का संबंध होता है, बराबर। इस प्रकार के समाज में दोनों शब्दों के बीच में आने वाला, दो शब्दों के बीच जो आता है यहां पर उसमें कुछ अव्यय जो होते हैं उनका लोप कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण में हमने लिखा है रात दिन, है ना, रात के बीच में डैश है, रात डैश दिन, सुख दुख, है ना, सुख ये इसका अपोजिट नहीं है लेकिन ये एक शब्द है सुख और दुख, तो और शब्द का हमने लोप कर दिया है उसमें, और शब्द का या अथवा या ये तीन शब्द जो होते हैं इनका लोप इसमें होता है उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। और इसकी एक ही पहचान है कि इसके बीच में डैश आता है, डैश में अगर आप डैश हटा दोगे तो आप बोलोगे रात और दिन या रात अथवा दिन, रात या दिन, है ना। तो ये और अथवा और या ये तीन शब्दों का लोप करके हम लोग उसमें डैश कर देते हैं तो उसमें उसका मीनिंग वही निकलता है, अंडरस्टूड होता है कि भाई रात डैश दिन लिखा तो रात और दिन ही होगा, बराबर। तो इस तरीके से होता है माता पिता, तो माता और पिता, राधा कृष्ण हार जीत, है ना, जिसमें डैश आता है लाभ हानि। तो इस तरह से जिसमें भी ऐसा आपको डैश दिखाई दे, और कभी कभी जो है कभी तीन शब्द भी ऐसे होते हैं जो कि जिसके की तीनों प्रधान होते हैं, जैसे
इसमें देखो उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी संज्ञा से भी जो है मिला हुआ बनता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों का बनता है, जैसे भाई बहन है ना, तो भाई और बहन बराबर है, तो संज्ञा भाई, भाई और बहन संज्ञा है बराबर है। फिर हम तुम, हम डैश तुम, तो सर्वनाम है हम और तुम सर्वनाम है, तो इसमें क्या बना और शब्द का लोप हुआ। तीसरा है भला बुरा है ना, भला और बुरा, भला बुरा विशेषण है तो इसमें विशेषण आ गया, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे ये क्रिया विशेषण है, तो इसमें किसी का भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण कोई भी शब्द हो सकते हैं, उसमें पहला पद जो है वो दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद है ना, और बीच में डैश आता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, तो उसमें कोई भी हो सकते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया विशेषण कोई भी शब्द हो सकते हैं, तो उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। इसकी एक ही खाली पहचान रखनी है कि आपको यहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में यहाँ पे डैश आएगा। कभी कभी क्या होता है कि द्वंद्व समास में जो है दो या दो से अधिक पद भी होते हैं, जैसे यहाँ पे दो ही पद हैं रात दिन है ना, कभी कभी तीन तीन भी आते हैं इसके अंदर, तीनों में तीनों के बीच में दो डैश आते हैं, तो उसमें आप उसका विग्रह कैसे करेंगे, जैसे तन मन धन, तो तन के बाद डैश मन और धन, तीनों के बीच में डैश है बराबर है, तो उसका मतलब होगा तन और मन और धन है ना, और का लोप है और बीच में डैश आया है, तो ये यहाँ पे आपका जो है द्वंद्व समास खत्म होता है। अब दूसरा समास जो है द्विगु समास है ना, अब इसमें पहला पद, जैसे ये पहला पद है और वो उत्तर पद है ना, पूर्व पद और उत्तर पद, तो पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होता है ना, जिसमें की संख्या आती है, जैसे संख्या में है पहला दूसरा एक दो तीन चार जो भी है वो संख्या कहलाती है, तो संख्यावाचक पहला वाला पद जो है संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो है वो संज्ञा होता है, बराबर है, किसी का नाम हो या कुछ भी हो, जैसे त्रिभुवन है ना, त्रिभुवन शब्द जो है या पंच तत्व है ना, तो पंच में पहला पद पंच है, तो पंच तत्व में क्या गया पांच तत्वों का समूह है ना, तो पांच शब्द संख्यावाचक हुआ, तो ये क्या कहलाएगा द्विगु समास। अब दूसरा जैसे आपको है सप्तऋषि है ना, तो सप्तऋषि में सप्त क्या है पहले पद में संख्या आ गई, तो ये कहलाएगा द्विगु समास। दोपहर दूसरा पहर है ना, तो दो शब्द जो है संख्या है, इसलिए नवरात्रि नौ रात्रों का समूह, तो क्या होगा नव मतलब संख्यावाचक हुआ, तो इसकी एक ही पहचान है कि ये जो है संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा संज्ञा होता है, तो ये कहलाता है पंचवटी है ना, पांच वटों का समूह, तो ये आपको कहलाएगा चौराहा बराबर है, चार रास्ते है ना जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर षट रस छह रसों का समूह, अष्ट धातु तो आठ धातु है, अष्ट मतलब आठ, तो ये संख्या जिसमें आएगी पहले पद में वो कहलाएगा द्विगु समास। तीसरा आपका आता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पहला पद ये है महात्मा है ना, तो पहला पद जो है वो विशेषण होता है, पहला पद कौन सा होता है विशेषण होता है और दूसरा विशेष होगा या फिर आप उसको संज्ञा बोल सकते हो, दूसरा पद संज्ञा होता है, पहला पद विशेषण आता है जो कि हमेशा उसकी विशेषता बताता है, जैसे महात्मा है ना, महान आत्मा, तो महान शब्द जो है वो क्या कहलाएगा विशेषण। दूसरा नील कमल है ना, तो नील कमल में है कमल कैसा है नीला, तो क्या कहलाएगा नील कमल। महाकवि महान कवि, फिर आएगा सज्जन, सज्जन में आता है आपका सज्जन है ना, कैसे पुरुष सज्जन पुरुष है ना, सच बोलने वाले पुरुष। फिर पीताम्बर अम्बर वस्त्र कैसे हैं पीले, तो क्या होगा पीला क्या कहलाएगा, पीत शब्द क्या कहलाएगा विशेषण, ये क्या कहलाएगा कर्मधारय समास। तो ये आपका इसकी दस्तक दोनों की थोड़ी थोड़ी पहचान अपने को रखना है, और उसमें से एक आपका थोड़ा सा डिटेल में है अव्यय भाव समास, नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये वाला है, तो इसमें पहला पद अव्यय होता है, जैसे दो पद में पता है ये है इसके दो पद है यथा और शक्ति, तो ये पूर्व पद है ये उत्तर पद है, तो पहला पद जो है वो अव्यय होगा वो कहलाएगा, और पूरे पूरे शब्द को जो है अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको अव्यय भाव समास कहते हैं, जैसे यथा शक्ति है ना, पूरी शक्ति के अनुसार। आजन्म तो आ शब्द जो है अव्यय है तो आ लगाया है, तो पूरी उम्र भर वो कहलाएगा आजन्म। प्रतिदिन प्रति
दिन मतलब प्रत्येक दिन है ना, तो प्रति शब्द क्या है अव्यय, तो वो कहलाएगा अव्यय भाव समास, मतलब जिसको उपसर्ग जैसे हम लोग लगाते हैं शब्द के पहले। कभी कभी दो दो बार भी एक शब्द आ जाता है, जैसे घर घर, रोम रोम, दिन दिन, है ना, ये शब्द बीच क्या कहलाएंगे अव्यय भाव समास। अब इनको जो है अलग अलग मैं ये पढ़ देती हूँ कौन कौन से है इसमें। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, आजन्म, प्रतिदिन, रोम रोम, प्रतिक्षण, प्रतिवर्ष, है ना, प्रत्यक्ष, परोक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका अव्यय भाव समास जो है उसका प्रकार खत्म होता है। उसमें एक और मैं पीडीएफ में बता रही हूँ यहाँ पे, आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं, प्रोजेक्ट बुक मिली होगी। तो उसमें पहला बनाना है कृष्ण भक्ति के कवि और उनकी रचनाएं, तो कोई भी तीन आपको लेना है कृष्ण भक्ति के, जैसे मीरा, सूरदास और प्रस्थान, ये हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक। तो इसके जो है प्रत्येक के चार चार या तीन तीन या चार चार पद आपको लिखना है उनके, और सूरदास के और प्रस्थान के, जो कि जिन्होंने कृष्ण के बारे में जो है अपनी रचनाएं लिखी है। तो इसमें आपको उनके फोटो लगा के और फिर रचनाएं लिखनी है। एक ये प्रोजेक्ट हो गया है। दूसरा है कोई भी चार महान नारियों का चित्र परिचय देना है, चित्र के साथ में परिचय देना है, जैसे कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, सुधा मूर्ति, है ना, तो इन लोगों के बारे में आपको चार सन्नारियों के बारे में जो है चित्र लगाना है और उनकी उनके बारे में पूरा उनका इंट्रोडक्शन लिखना है, उनकी शिक्षा, जन्म और कौन कौन से काम किए थे, जैसे इंदिरा गांधी का राजनीतिक कार्य कौन कौन से किए, रारे सुधा मूर्ति ने जो सामाजिक काम किए थे, लक्ष्मीबाई ने युद्ध वाला जो किया था, तो कल्पना चावला ने अंतरिक्ष का किया था, तो इनके सबके बारे में जो है आपको डिटेल चित्र लगाना जरूरी है। चित्र के साथ में जो है प्रोजेक्ट बनाना, जैसे नाइन्थ में एट्थ में बनाए थे वैसे ही, तो इसमें भी बोर्ड में जो है इसमें भी मार्क्स मिलेंगे, इसके मार्क्स भी जो है आपके बोर्ड में जाने वाले हैं, इसलिए सीडब्ल्यू, एचडब्ल्यू और प्रोजेक्ट ये तीनों जो है हमारे परफेक्ट होना चाहिए। थैंक यू।